वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 2010 से लेकर 2015 तक का जो डिटरमिनेंट का ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में। उसके बाद पुनः मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा आप लोगों का, उसमें 15 से 19 तक का मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद पुनः 2010 से लेकर 2020 तक के जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, मैं उसे भी अपने चैनल के माध्यम से सॉल्व करूँगा। इस प्रकार कर करके आप लोगों के बीच रेगुलर एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास से जुड़ें, साथी दोस्तों को जोड़ें, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बताएं आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल में यदि प्रॉब्लम हो डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट लिख कर सकते हैं और मैं आप लोगों को सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। सभी स्टूडेंट देखिए, ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा है, ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, ये आपका 2014 का और 2015 का है। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, आप लोग आए। चलिए को पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए प्लस वन, वन फिर देखिए टू ए प्लस वन, ए प्लस टू, फिर वन, फिर थ्री, थ्री और वन है ना। अब देखिए इतना बराबर को क्या सिद्ध करना है, ए माइनस वन का होल क्यूब। आप लोग को दिखा रहा है, मैं देखिए सवाल लिख दिया, ये एल एच एस है, एल एच एस एक नंबर का सवाल मैं प्रूव कर रहा हूं सबसे पहले, एल एच एस इक्वल टू। देखिए क्या है, ये सवाल को मैंने लिख दिया, अब हमको सिद्ध करना है इसका ए माइनस वन का होल क्यूब। अब देखिए हम इसको आर वन कहते हैं, इसको आर टू कहते हैं, और इसको थ्री आर थ्री कहते हैं। क्या करते हैं हम आर वन में, ध्यान दीजिएगा, आर वन में आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू में आर टू माइनस आर थ्री कर लेते हैं, समझे कि नहीं। आर वन में आर वन माइनस आर थ्री एवं आर टू में आर टू माइनस आर थ्री कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी में से क्वेश्चन आएगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। आर वन आपका ये हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है माइनस आर थ्री, देखिए आर वन ये इस, ये आर वन है, इसका आर थ्री ये हो गया। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए, अब माइनस आर थ्री हो रहा था, देखिए इसका आर थ्री, इसका आर थ्री थ्री है, माइनस थ्री हो गया। फिर देखिए टू ए प्लस वन क्या हो रहा है माइनस आर थ्री, आर वन में आर थ्री माइनस हो रही है, आर थ्री हो गया माइनस थ्री हो गया। फिर देखिए वन माइनस वन, ये आर थ्री माइनस हो रहा है, वन माइनस वन। फिर देखिए आर टू में क्या हो रहा है, आर टू माइनस आर थ्री, तो आर टू आपका ये है, देखिए टू ए प्लस वन, अब माइनस क्या हो रहा है थ्री, ठीक। फिर देखिए ए प्लस टू माइनस आर थ्री है, आर थ्री का वैल्यू क्या है थ्री, माइनस थ्री हो गया। फिर देखिए वन माइनस वन, वन माइनस वन, अब आर थ्री में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब थ्री, थ्री और वन हो गया। आप लोग बताएं दिखाई दे रही है स्पष्ट आप लोगों को, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, फिर देखिए एक में से तीन को माइनस करेंगे क्या बचेगा दो, तो टू ए प्लस माइनस टू, क्योंकि एक में से तीन घटेगा माइनस दो हो जाएगा। फिर देखिए वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, जीरो हो गया। फिर देखिए टू ए, टू ए, अब देखिए एक में से तीन माइनस होगा क्या बचेगा माइनस टू हो जाएगा। फिर देखिए ए, अब देखिए दो में से तीन माइनस होगा क्या बचेगा माइनस एक, क्योंकि दो में से तीन घट रहा है, अब एक में से एक घटेगा क्या बचेगा जीरो। फिर देखिए थ्री, फिर थ्री और वन, अब साफ पता चल गया कि देखिए विस्तारित करेंगे सी थ्री के अनुप्रयोग करके हम इस सारणी का मान निकालेंगे, क्योंकि जिधर ज्यादा जीरो से जीरो होता है उधर वाले मान, तो देखिए फर्स्ट स्टेप जीरो लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जब जीरो लेंगे लिख देंगे सी थ्री से
सारणिक का मान निकालने पर, सारणिक का मान निकालने पर, सारणिक का मान निकालने पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो C3 से निकालेंगे यानी इससे, तो देखिए फर्स्ट स्टेप जीरो है, तो फर्स्ट स्टेप जीरो, तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा, तो कुछ भी होगा तो जीरो से गुणा होगा, तो फर्स्ट स्टेप तो जीरो हो गया, आप लोग को ये मैं बताया हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, यानी माइनस होता है यहाँ जीरो, सेकंड स्टेप जीरो है तो इसका मतलब कुछ भी होगा तो वो जीरो होगा। तो थर्ड स्टेप यहाँ क्या है, वन, तो प्लस वन। तो अब देखा जाए जब वन लेंगे तो ये ढकाएगा, ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, फिर देखा जाए टू ए माइनस टू, फिर देखिएगा टू ए माइनस टू, फिर ए माइनस वन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये जो गुणा हो जाता है इसके साथ, यानी देखिएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री इंटू ये, इसके साथ गुणा इंटू ए माइनस वन, फिर देखिएगा अब ये वाला टर्म इससे गुणा होगा माइनस 2a माइनस टू, 2a माइनस टू इंटू 2a माइनस टू हो जाएगा, 2a माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए गुना करते हैं, ए स्क्वायर गुना ए, ए क्यूब दिखाई दे रही है ना, ए स्क्वायर गुना ए माइनस ए स्क्वायर, देखिए 2a गुना ए प्लस 2a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2a गुना ए 2a स्क्वायर, फिर देखिए 2a गुना माइनस एक माइनस 2a, फिर देखिए माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3 हो गया। अब चलिए इसको माइनस करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, अब देखिए अब बीच में माइनस का चलता है, माइनस कर दिए, अब देखो 2a गुना 2a, 2 दूनी 4a स्क्वायर, ठीक 2a गुना 2, 2 दूनी 4a, ठीक अब देखो माइनस 2 गुना 2 माइनस 4a, ठीक अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया 2 दूनी 4, बताओ कोई दिक्कत इसमें, चले लाइट के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देखिएगा इस लाइट के कारण से, देखिए ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, अब देखो वो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो ये क्या बच जाएगा प्लस a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा प्लस a स्क्वायर बचेगा, अब देखो माइनस 2a माइनस 3 क्या हो गया माइनस 5a हो गया, ठीक अब प्लस क्या है 3, अब देखो माइनस, देखो माइनस 4a स्क्वायर हो गया क्योंकि माइनस 4a स्क्वायर है, अब देखो माइनस, देखो माइनस 4a माइनस 4a माइनस 8 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 ही हो गया, ठीक अब देखो बाबू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 हो गया माइनस 4, अब देखो स्टूडेंट a क्यूब, a क्यूब अब देखो बाबू माइनस 4a स्क्वायर में से प्लस a स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक अब देखो बाबू ध्यान देना यहाँ माइनस 5 प्लस 8 है और माइनस 5 है तो 8 में से 5 घटेगा क्या बचेगा यानी प्लस 3a हो गया, प्लस क्या हो गया 3a, अब देखो बाबू ये माइनस 4 है ये प्लस 3 है, 3 में से 4 घटेगा क्या बचेगा माइनस 1, माइनस 1 बच गया बाबू, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस, अब देखो इससे 3a कॉमन ले लो, 3a कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3a जब कॉमन ले लिए तो ये a माइनस 1 हो जाएगा, क्यों देखो अब 3a गुना a तो 3a स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3a गुना 1 तो 3a, अब देखो ये माइनस है माइनस 1 है तो माइनस 1 को लिख सकते हैं क्यों a का होल क्यों, अब 3a के साथ यदि 1 गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा, अब देखो ये a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब का, यानी a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब, यानी ये a माइनस b का होल क्यूब का है, तो यहां देखो a क्यूब माइनस 3a इंटू 1 इंटू a माइनस 1 माइनस 1 क्यूब, तो ये किसके फार्मूले पे है यानी a माइनस 1 का होल क्यूब पे है, देखो प्रूव्ड क्या करना था देखिएगा जरा से दिखाइएगा, प्रूव्ड क्या करना था a माइनस 1 का होल क्यूब, प्रूव्ड आपको क्या करना था देखिए इतना बराबर a माइनस 1 का होल क्यूब, देखिए आ गया कि नहीं प्रूव्ड हो क्या रहा a माइनस 1 का होल क्यूब, तो बताएं स्टूडेंट्स आप लोग सभी समझे, सभी स्टूडेंट बताएं आप लोगों को समझ में आई, सभी स्टूडेंट बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लीजिएगा अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये 2011 का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या कि ए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं ए ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर देखिए बी बी स्क्वायर बी क्यूब, सी सी स्क्वायर सी क्यू, अब देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है भाई,
ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये सिद्ध करना है, ठीक ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए सी वन से क्या कॉमन आ रहा है, ए, देखिए सी वन से ए, सी टू से बी तथा सी थ्री से सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यानी देखो इससे ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिया किससे, सी वन से, बी कॉमन लिया किससे, सी टू से, और सी कॉमन ले लिया सी थ्री से। अब देखो क्या बच गया, वन ए, क्योंकि ए जब कॉमन आ गया था यहां ए बचा, यहां ए स्क्वायर था ए बचेगा, यहां ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां ए क्यूब था ए कॉमन आ गया, यहां देखो वन हो जाएगा क्योंकि बी इंटू वन बी, फिर बी स्क्वायर है, बी कॉमन ले लिया तो केवल एक बी तो बचेगा, यहां बी क्यूब था इसलिए बी स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखो यहां पर सी था कॉमन ले लिया, सी वन हो गया, फिर यहां पर सी हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया, सी स्क्वायर। बताए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहां पे करते हैं सी टू में सी टू माइनस सी वन एंड सी टू में सी टू माइनस सी, सॉरी सी थ्री में सी थ्री में सी थ्री माइनस सी वन करते हैं, सी थ्री माइनस सी वन करते हैं, यानी सी टू में, यानी ये सी टू में ये सी वन को घटा दे रहे हैं, फिर ये जो सी टू है इसमें भी सी वन को घटा रहे हैं, देखिएगा दिखाई दे रही है यहां पर, देखिएगा। तो अब देखो बाबू ए बी सी, ध्यान देना बाबू, ये सी टू में ऑपरेटिंग कर रहे हैं क्या, सी वन को माइनस कर रहे हैं, ये वाला माइनस कर रहे हैं इसमें, और फिर सी थ्री में क्या कर रहे हैं, इसको फिर सी थ्री में सी वन को माइनस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स अब देखो वन ए ए स्क्वायर वन, अब देखो इसका सी वन यानी सी टू ये हो गया, अब सी टू में सी वन माइनस हो रहा है, ये उधर जाएगा तो माइनस वन, फिर देखो यहां बी है माइनस ए हो गया, फिर देखो ये बी स्क्वायर है ये उधर जाएगा क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर देखो ये वन, अब सी थ्री में सी वन घट रहा है वन, ये घटने के लिए जगह वन माइनस वन, फिर देखो सी माइनस एक होगा, फिर देखो सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक में किसी को, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो खुल करके बोलेंगे। अब देखो डिटरमिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं, देखो ए बी सी, अब देखो बाबू वन क्या हो गया ए, फिर क्या है ए स्क्वायर, अब देखो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, ठीक, बी माइनस ए, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये सूत्र हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, देखो फिर सी माइनस ए, फिर देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो अब तुम लोग देखो बाबू ये सी बी सी वन से सॉरी सी टू से बी माइनस ए को मना रहा है क्योंकि जीरो के साथ तो दुनिया धरती का हर संख्या गुना रहता है और सी थ्री से जो है सी माइनस ए को मना रहा है। तो यहां पे लिखेंगे सी टू से सी सी टू से बी माइनस ए, बी माइनस ए तथा सी थ्री से सी माइनस ए कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, देखिएगा स्टूडेंट एकदम ये सब क्वेश्चन रहेगा। अब देखो बाबू ए बी सी, अब देखो यहां पे सी टू से क्या कॉमन रहे हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए, अब सी थ्री से क्या ले रहे हैं सी माइनस ए, कॉमन ले लिया। अब देखो बाबू यहां पे क्या बच रहा है वन ए ए स्क्वायर, फिर देखो यहां क्या बच रहा है जीरो बी माइनस ए तो कॉमन ही ले लिए, वन बच गया बी माइनस ए कॉमन ही ले लिए तो बी प्लस ए बच गया, फिर देखो जीरो जीरो होगा, फिर देखो सी माइनस ए कॉमन ले लिए वन हो गया सी माइनस ए कॉमन, यहां से सी माइनस ए कॉमन लिए क्या बच गया सी प्लस ए। तो अब देखो बाबू ऑपरेटिंग कर देंगे किससे भाई, ध्यान देना ये प्रथम आर वन से विस्तारित करने पर, यानी आर वन से इस सारणी का मान निकालने पर, तो लिख दो आर वन से सारणी का मान निकालने पर, सारणी का मान मान निकालने पर अब देखो बाबू ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए, अब देखो बाबू ध्यान देना आर वन से करेंगे तो वन को लेंगे, तो वन को लेंगे तो देखो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या दिखा रहा है वन बी प्लस ए वन सी प्लस ए, ठीक है ना। देखो जब वन को लेंगे तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा तो यही तो देखा वन बी प्लस ए वन सी प्लस ए, अब जब जीरो लेंगे तो माइनस जीरो लेंगे तो सब टर्म जीरो, क्योंकि मेन टर्म ये भी जीरो है तो सब टर्म जीरो, क्यों फालतू को लेंगे ये तो समझ ही रहा है। अब देखो ए बी सी
बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो स्टूडेंट इसको गुणा कर दो, सी प्लस ए हो गया, ये ऐसे गुना था सी प्लस ए फिर माइनस, अब देखो बीच में माइनस होता है तो ए को गुना बी प्लस ए तो माइनस बी माइनस ए होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो आगे माइनस होता है तो देखो ए गुना बी तो बी हो गया, ए गुना ए तो ए, लेकिन अंदर में जब माइनस जाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस ए और प्लस कट गया, ठीक ना, तो क्या बच गया मेरे पास ए बी सी, फिर देखो बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए और फिर सी माइनस बी हो गया। अब देखो ध्यान देना स्टूडेंट इससे, जैसे अब देखो तुम लोग को एक चीज बता दी, यदि ए माइनस बी रहे हम माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए होगा कि नहीं, यदि माइनस को मान लेंगे तो ये टर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखो इससे को मान लेते हैं ए बी सी, ध्यान देना स्टूडेंट इससे माइनस को मान लीजिए, माइनस को मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखो इससे भी सी माइनस बी है, इससे भी माइनस को मान ले लो, इससे माइनस को मान लेंगे पहले से को माइनस को माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, फिर क्या है सी माइनस ए। अब देखो स्टूडेंट यानी ए बी सी माइनस को मान लिए इससे भी, माइनस को मान लिए इससे भी, जब माइनस को मान लिए तो ए माइनस बी, इससे भी माइनस को मान लिए तो ये जो हो गया आपका बी माइनस सी और सी माइनस ए तो था ही, इसलिए सिद्ध हो गया। देखो यही तो सिद्ध करना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना था ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए प्रूव्ड हो। अब देखिए मैं तीसरा नंबर बता रहा हूं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा 1 प्लस ए 1 ए 2 ए 3 ठीक, ए 1 1 प्लस ए 2 उसके बाद क्या है ए 3 है ना, उसके बाद ए 1 उसके बाद है क्या ए टू उसके बाद क्या है वन प्लस ए थ्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिए दिखाई दे रहा है सिद्ध करना है, देखिए दिखाई दे रहा है वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र से इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें देखो एक टर्म को बनाएंगे, कहीं जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले जीरो देखते हैं कि जीरो कैसे होता है, तो इसमें किसी को घटाएंगे किसी को भी कुछ करेंगे तो जीरो भाई नहीं होगा, तो जीरो लाएंगे कैसे, सबसे पहले एक समान जात बनाएंगे। तो क्या करेंगे बाबू देखो सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दिए, सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दिए। अब देखो अब सी वन तो ये हो गया, सी टू ये हो गया, सी थ्री ये हो गया। अब देख सभी स्टूडेंट सी वन में जोड़ रहे हैं यानी वन प्लस ए वन ये जुटेगा प्लस ए टू, फिर ये देखो ये जुटेगा ए थ्री प्लस ए थ्री यानी जुट गया, फिर ये क्या है देखो ए टू फिर ए थ्री फिर देखो क्या है, अब ये सी वन है तो फिर ये जुटेगा देखो वन प्लस ए टू जोड़ ए वन जोड़ ए थ्री, फिर तो वही ना हो जाएगा यानी वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री हो जाएगा। क्यों भाई? देखो वन प्लस ए टू है तो वन प्लस ए टू है कि नहीं, फिर प्लस ए वन तो प्लस ए वन कर दिए प्लस ए थ्री, क्योंकि चार जोड़ पांच जोड़ तीन, तीन जोड़ चार जोड़ पांच, समझे कि नहीं, क्या होगा वही ना होगा। अब देखो फिर इसको जोड़ेंगे यानी ये टर्म भी जुटेगा इसके साथ, क्योंकि अब देखो वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ठीक। अब देख बाबू ए टू है केवल सी वन के साथ कर रहे हैं दूसरे के साथ नहीं, फिर देखो वन प्लस ए टू फिर ए टू फिर ए थ्री वन प्लस ए थ्री कर दिया मैंने। अब देख तुम लोग बताओ सी वन से क्या को मना रहा है, देखिए चलिए देखिए बाबू सी वन से क्या को मना रहा है लिखेंगे, अब सी वन से वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री कॉमन लेने पर देखो बाबू ध्यान देना ये वन प्लस ए वन प्लस ए टू सब में है कि नहीं, कॉमन आएगा कि नहीं। अब देखो ध्यान देना ये कॉमन ले लिए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री कॉमन ले लिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। अब देखो ये जब कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बच गया वन वन वन, क्योंकि ये तो सारा कॉमन आ गया, फिर देखो क्या है ए टू ए टू वन प्लस ए टू, फिर देखो क्या है ए टू ठीक, फिर क्या है ए थ्री ए थ्री फिर ए थ्री और फिर क्या है वन प्लस ए थ्री।
अब देखो बाबू क्या करते हैं, अब ऑपरेटिंग कर देते हैं क्या बाबू, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। R1 में देखो एक माइनस एक जीरो हो गया, फिर A3 माइनस A3 जीरो, साफ हो रहा है एक ही चीज में, तो काल ज्यादा करेंगे, दो गो जीरो हमको लाना है बाबू। तो आप लोग देखिए वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है ना। अब देखो क्या किए, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, देखो R1 तुम्हारा ये टर्म हो गया और R2 ये, तो 1 माइनस 1 होगा, देखो 1 माइनस 1 हो गया, फिर देखो A2 R1 ये हो गया माइनस का और R2, R2 ये हो जाएगा, यानी देखो 1 प्लस A2 हो जाएगा। अब देखो बाबू ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर देखो क्या होगा, फिर देखो ये भी तो R1 घटा R2 होगा, तो ये A3 है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए थ्री, ठीक। अब देखो वन, अब आई आर टू में कुछ नहीं कर रहे हैं, आर थ्री में कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आर वन में कर रहे थे, फिर वन, फिर देखो वन प्लस ए टू, फिर देखो ए थ्री, फिर देखो वन, फिर ए टू, फिर वन प्लस ए थ्री। देख बाबू वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, अब देखो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर देखो ये माइनस ए टू और प्लस ए टू कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस वन, फिर देखो वन प्लस ए टू, फिर क्या बच गया ए टू, फिर देखो क्या ए थ्री माइनस ए थ्री क्या बच गया जीरो, ए थ्री में से ए थ्री कट जाएगा तो क्या बच गया जीरो, फिर देखो ए थ्री, और फिर क्या हो गया वन प्लस ए थ्री। अब देख बाबू हम आर वन से विस्तारित कर देंगे, ये आर वन से विस्तारित करने पर, तो देख बाबू वन प्लस ए वन प्लस A2 प्लस A3, अब क्या करेंगे R1 से कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है जीरो, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है माइनस, तो देखो माइनस वन, तो माइनस तो होता ही है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन ले लेंगे। अब देखो वन जब ले लिए, वन जब ले लेंगे तो ये लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या देखो जब माइनस वन लेंगे यहां पे, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब उसका तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा, तो ये वन वन होगा कि नहीं, वन और वन, अब फिर क्या होगा ए थ्री, फिर वन प्लस ए थ्री होगा, ठीक। फिर अगला स्टेप क्या है जीरो, तो ये प्लस होता है इसलिए जीरो ले लिया। अब देखो बाबू वन प्लस, वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ध्यान देना बाबू ये तो जीरो, ये रो, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता वन इंटू वन, वन वन इंटू ए थ्री प्लस ए थ्री, फिर देखो बीच में माइनस होता है, अब ये गुणा होगा इसके साथ वन इंटू ए थ्री माइनस ए थ्री, अब देखो ये माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री कैंसिल, तो ये केवल क्या बच गया वन, ये तो केवल वन बच गया, वन इंटू इतना क्या हो जाएगा वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, प्रूव हो गया। बताएं कोई प्रॉब्लम, देखिए सभी स्टूडेंट्स, अब देखिए चार नंबर, चार नंबर लाइट जला दीजिए, देखिए चार नंबर में अरे के इतना बराबर प्रूव करें, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, यानी बी प्लस सी ए, ए बी सी प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल सारणी का जो रूल अप्लाई होता है उस रूल को अप्लाई कर देंगे बस। B प्लस सी लेंगे, देखो B प्लस सी लेंगे, तो B प्लस सी लेंगे बाबू, तो ये ढको क्या दिखाई दे रहा है C प्लस A, C B A प्लस B, ठीक हो गया। अब देखो बाबू फिर भी ये माइनस होता है, अब A लेंगे, तो A लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या दिखा रहा है B C, B C B A प्लस बी, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, इस पर फिर A लेंगे, एक बार देख लीजिए सवाल, फिर ये ढकाएगा तो क्या हो जाएगा B C, फिर होगा C प्लस A और क्या होगा C। अब देखो गुना करना है और कुछ नहीं, लड़का लोग कंफ्यूज में करा जाता है सिंपल इसको। अब देखिएगा, देखिए C प्लस A गुना A प्लस बी, तो देखो C गुना A क्या हो गया सी ए, सी गुना बी हो गया सी बी, ठीक। अब देखो ए गुना ए प्लस ए स्क्वायर, ए गुना बी प्लस ए बी, देखो यानी ये और ये गुना कर दिया, देखो सी गुना ए सी ए, सी गुना बी सी बी, ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, अब देखो बीच में माइनस होगा, फिर बी गुना सी माइनस क्या हो गया बी सी, बी सी एस बी, ये गुना कर दिए, अब देखो या फिर माइनस है ए है, अब देखो बी गुना ए ए बी, बी गुना बी प्लस बी स्क्वायर, अब देखो बीच में माइनस होता है, अब ये गुना होगा बी इंटू सी माइनस बी सी हो गया, ठीक। अब देखो प्लस ए है, ए कर दिए, फिर देखो बाबू बी इंटू सी
बी सी, अब माइनस हो रहा है, देखो सी इंटू सी जो अगर सी स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस आगे रहेगा तो माइनस ही रहेगा ना, फिर देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए। अब देख बाबू ध्यान देना, ये देखो माइनस बी सी और माइनस प्लस सी बी कट जाएगा क्योंकि बी सी ए भी है बी सी भी है, लेकिन एक के पहले माइनस का चिन्ह है एक के पहले प्लस का चिन्ह है। अब देखो यहां पे क्या किया बी प्लस सी, देखो सी प्लस ए बच गया प्लस ए स्क्वायर बच गया प्लस ए बी बच गया ठीक। अब देखो बाबू ए गुना ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, फिर देखो ए गुना बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ठीक ना। अब देखो माइनस और माइनस क्या किया प्लस ए गुना बी सी ए बी सी, फिर देखो प्लस ए गुना बी सी ए बी सी, फिर देखो ए गुना सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर क्योंकि सी गुना ए हो गया। अब देखो स्टूडेंट इसको गुना करो बी गुना सी ए ए बी सी, देखो बी गुना सी ए बी सी, अब बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी ठीक। अब देखो बी गुना ए बी प्लस ए बी स्क्वायर ठीक हो गया, सी इंटू सी ए प्लस सी स्क्वायर ए क्योंकि सी इंटू सी ए सी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ठीक, सी इंटू ए बी प्लस क्या हो गया ए बी सी। अब देखो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर देखो प्लस ए बी स्क्वायर, फिर देखो प्लस ए बी सी ए बी सी, फिर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कहीं कैंसिल होगा माइनस ए बी स्क्वायर, देखिए यहाँ देखिए सॉरी ए गुना देखिए ए गुना ए ए स्क्वायर भी हो गया माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक। यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे देखिए कटेगा यानी यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर कहाँ गया ये माइनस ए बी स्क्वायर होगा ठीक ना। अब देखिए ये माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर कट गया, अब देखिए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए कहीं जरूर होगा, देखिए माइनस सी स्क्वायर ए कैंसिल प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर कहीं होगा, देखिए यहाँ कट गया सब कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया ए बी सी, फिर देखिए क्या बच गया प्लस ए बी सी प्लस, फिर क्या बच गया देखिए ए बी सी प्लस क्या बच गया ए बी सी। अब देखिए एक दो तीन चार कितना ए बी सी बच गया भाई चार ए बी सी प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन चार नंबर का। अब चलिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए ये पांचवा नंबर का क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई टू एक्स, फिर देखो 2x, फिर क्या है 2x, फिर है x प्लस वाई, फिर क्या है 2x, फिर क्या है 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, फिर 2x, फिर देखिए x प्लस वाई है ना। अब देखो बाबू इतना बराबर हमको सिद्ध करना है 5x प्लस वाई और y माइनस x का होल स्क्वायर, तो देख बाबू एक टर्म देखो दो दो चार चार एक पांच एक्स साफ पता चल गया कि इसको C1 जोड़ C2 जोड़ C3 करेंगे तो 5x plus y 5x plus y आ जाएगा, तो यहां पे कर देंगे क्या C1 में C1 plus C2 plus C3 कर देंगे ठीक ना। अब देखो ये जुटेगा x जोड़ 2x जोड़ 2x, तो देखो बाबू लिखेंगे कि नहीं x plus y यानी C1 में C2 जोड़ C3 कर रहे हैं तो x plus y जोड़ 2x हो जाएगा ठीक। फिर देखो 2x जोड़ x प्लस वाई जोड़ 2x हो जाएगा ठीक, C1 में जोड़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है 5x प्लस वाई, वो गलती होगा यहाँ पे 2x होगा, क्वेश्चन में गलती लिखा गया होगा यहाँ पे 2x होगा समझे ना, यहाँ पे 2x होगा यानी 2x प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या है 2x, फिर प्लस क्या है यहाँ पे x प्लस वाई होगा ठीक ना। अब देखो अब फिर क्या है 2x x प्लस वाई, फिर देखिए 2x, फिर देखिए 2x, 2x, x प्लस वाई है। अब देखो बाबू दो दो चार चार एक देखो दिखाई बंद कर दो बाबू 5x प्लस वाई, फिर देखो दो 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 चार एक पांच तो 5x प्लस वाई, फिर देखो दो दो चार एक फाइव 5x प्लस वाई हो गया इसमें। अब देखो स्टूडेंट फिर क्या बच रहा है 2x x प्लस वाई, फिर देखो 2x, फिर देखो 2x, फिर देखो 2x, फिर क्या है x प्लस वाई हो
हो गया। अब देखो बाबू आज सीवन से क्या कॉमन आ रहा है, फाइव एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो सीवन से फाइव एक्स प्लस वाई कॉमन लेने पर ले लेंगे कॉमन। तो अब देखो बाबू यानी फाइव एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, देखो 5x प्लस वाई कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो बाबू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या 1 1 1 1 बचेगा, यानी क्या बच जाएगा 1 1 1, फिर देखो 2x, फिर क्या है x प्लस वाई, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब तुम देखो बाबू यहां पे क्या करेंगे, जीरो अधिक से अधिक करना है तो कर देंगे क्या, R1 में R1 माइनस R2 कर दो, R1 में R1 माइनस R2। देखो बाबू 5x प्लस वाई, ध्यान देना R1 में ये R1 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा R2, ये माइनस होगा यानी क्या होगा 1 माइनस 1, फिर देखो 2x माइनस होगा क्या होगा x, ये R2 हो रहा है x प्लस वाई। तो अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर देखो 2x माइनस 2x क्या हो गया जीरो, फिर देखो R1 में कर रहे हैं 1x प्लस वाई, फिर क्या हो गया देखो 2x, ठीक ना। अब ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स 2x 2x, देखो 2x में से 2x गया जीरो, फिर देखो यहां पे 2x लिख देते हैं, फिर देखो 1, फिर 2x, फिर क्या हो गया x प्लस वाई। अब देखो बाबू 2x में से x घटेगा क्या बच जाएगा x, तो 5x प्लस वाई जीरो, 2x में से x जाएगा x माइनस वाई, फिर देखो जीरो, फिर 1, फिर x प्लस वाई, फिर देखो 2x, फिर क्या है 1, फिर 2x, अब क्या है x प्लस वाई। अब देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप जीरो लेंगे 5x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे गुना करो, फर्स्ट स्टेप जीरो तो सब जीरो, अब यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस वाई यानी x माइनस वाई ले लिए, ठीक। अब देखो ये लेंगे तो ये ढकाएगा और क्या होगा ये ढकाएगा, तो क्या यहाँ बच रहा है 1 1 बच रहा है, ठीक, और यहाँ क्या बच रहा है देखो 2x x प्लस वाई बच रहा है, ठीक। अब सेकेंड स्टेप यहाँ का स्टेप क्या जीरो, थर्ड स्टेप तो ये तो सब जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, देखो 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, अब देखो बाबू माइनस एक्स वाई है यहाँ पे, माइनस एक्स वाई कर दिए हैं। अब देखो ध्यान देना, अब गुना कर रहे हैं इसको x प्लस वाई यानी x प्लस वाई हो गया, ये गुना में है, ठीक ना, इसके साथ गुना में है x प्लस वाई, अभी माइनस क्या हो गया 2x हो गया, माइनस 2x हो गया, ठीक। देखो बाबू x प्लस वाई गुना एक तो x प्लस वाई, अब देखो 2x गुना एक तो माइनस 2x हो गया, अब बाहर में क्या गुना था माइनस x माइनस वाई, तो बाहर में गुना कर दिए। अब देखो 5x प्लस वाई, अब देखो बाबू माइनस क्या है x माइनस वाई, अब देखो बाबू x में से 2x जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये भी जो हो गया देखो y माइनस x हो गया, ये क्या हो गया y माइनस x हो गया, देखो क्योंकि x में से 2x घटेगा, माइनस 2x है और यहाँ x है तो ये माइनस x होगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, इससे माइनस को मान ले लो, माइनस इससे को मान ले लो, जैसे a माइनस b रहे तो माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस, इससे माइनस को मान ले लेंगे तो 5x प्लस वाई, जब इससे माइनस को मान ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस x, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y माइनस x ये भी हो जाएगा और y माइनस x ये भी है तो देखो y माइनस x, तो इसलिए 5x प्लस वाई, अब y माइनस x गुना वाई माइनस x तो y माइनस x का होल स्क्वायर प्रूव्ड, यही तो करना था। चलिए अंतिम नंबर का क्वेश्चन अब बताएंगे, चलिए अंतिम को नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का जो कि 2015 में पूछा था क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 1 1 1, अब देखिए बी सी सी ए ए बी, ठीक, फिर क्या है ए बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए, फिर सी ए प्लस बी, अब इस बराबर जीरो सिद्ध करना है, बराबर कैसे करना है जीरो, और इसे बिना प्रसारित किए हुए कह रहा है जीरो सिद्ध करने के लिए, सिर्फ समझे ना। तो देखो बाबू क्या करते हैं 1 1 1 यानी सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको जीरो सिद्ध करना है, बी सी सी ए ए बी, अब देखो बाबू ए गुना बी ए बी, ए गुना सी ए सी, बी गुना सी बी सी, बी गुना ए ए बी, सी गुना ए सी ए, सी गुना बी बी सी हो गया।
ठीक। अब क्या करते हैं, देखो ये C3 है, अब C3 में C2 को जोड़ देते हैं, यानी कि C3 में C3 प्लस C2 कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो बाबू, 1 1 1 BC, फिर CA और फिर AB। अब क्या कर रहे हैं कि C3 में C2 को जोड़ रहे हैं, यानी इसको जोड़ रहे हैं उसमें, यहाँ AB है, ये जुटेगा उसमें जाकर के, तो BC हो जाएगा, AB प्लस BC, और उसके बाद क्या है CA, AC मतलब CA। फिर देखो ये तो AB प्लस BC प्लस ये जुटेगा तो वही चीज आ जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। फिर देखो ये भी AB प्लस CA जुटेगा जाकर के उसमें, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, ठीक। अब देखो C3 से साफ पता चल रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA को बना रहा है, तो C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन ले लेंगे तो देखो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिए, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 1 1 ये BC CA और AB, फिर ये जब कॉमन ले लिए तो 1 1 1, तो हम जानते हैं कि एक गुण होता है डिटरमिनेंट का, यदि C1 बराबर C3, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणी का मान क्या होता है, 0, चूंकि C1 बराबर C3, देखो यहाँ 1 1 1, ये भी 1 1 1 है, चूंकि C1 बराबर C3 इसलिए सारणी का मान क्या हो जाता है, 0, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो AB प्लस BC प्लस CA ये टोटल किसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अनुसार से। अब 0 गुना कुछ भी करोगे क्या होगा, 0 प्रूव हो गया। तो चलिए आज के 6 क्वेश्चन बताया।